हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। शिव शिवाय नमस्तु भयम। तो गाइज, मैं आज आप लोग के साथ बहुत ही अच्छा उपाय लेके आई हूँ जो आपकी रोग मुक्ति एंड मनोकामना पूर्ति के लिए है। आप ये उपाय करोगे ना तो आपका जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना कि आपको जैसे कि किसी भी दिन, जैसे कि अगर आप मंडे को करते हो सोमवार के दिन, तो ज्यादा ही शुभ होगा क्योंकि उस दिन शिव शंभू का दिन होता है। तो आपको एक पात्र में, मतलब एक लोटा लेना है, पीतल का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भर लेना है और सीधे आपको शिव शंभू के मंदिर में जाना है। जबकि बाकी लोग, बाकी सब भगवान का पूजा करते हैं तो कितना ताम झाम होता है, लेकिन शिव शंभू का पूजा करते हैं तो कोई ताम झाम नहीं होता। एक लोटा बस जल ही लेके जाते हो ना, शिव शंभू जी से खुश हो जाते हैं। तो आपको एक लोटा जल लेना है और शिव शंभू के मंदिर चले जाना है। आप चाहें तो ऐसे भी चढ़ा सकते हैं मंदिर में, जो एक लोटा जल ले जाके और शिव शिवाय नमस्तु भयम, शिव शिवाय नमस्तु भयम का जाप करते हुए और शिव शंभू पे चढ़ाना है। आपके मन में जो भी कामना होगी ना, वो आप मांग सकते हैं और वो पूरा हो जाएगा। तो आपको ये काम करना है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि लोटे में आप एक लोटा लिया, उसमें एक जल भरे हैं एक पात्र में, और उसमें आपको क्या डालना है जिससे आपको बहुत बड़ी बीमारी है, मतलब बहुत रोगों से ग्रस्त हैं, बहुत अब हर जगह हर डॉक्टर के पास चले गए हैं, थक के हार गए हैं और कोई इलाज नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे अच्छा उपाय है कि आप शिव शंभू के शरण में चले जाएं और आपको सारे बीमारियों से दूर कर दें। अगर आप बहुत ही टेंशन में हैं, बहुत ही परेशान हैं, आपको कोई निवारण नहीं, तो आपको ये उपाय करना है। आपको एक लोटा लेना है पीतल का, उसमें आपको जल भर लेना है ऐसे, और जल भर के आपको क्या करना है कि इत्र, जो गुलाब जल होता है, इत्र होता है, उसको आपको इस लोटे में डाल देना है, लोटे के जल में, और डाल के ऐसे देखो ऐसे करके, और आपको ऐसे डाल देना है और डाल के इसमें, और उसके बाद आप डाल लेते हो ना, तो उसके बाद शिव शंभू के मंदिर में आपको जाके चढ़ा देना है शिव शंभू के ऊपर, और शिव शिवाय नमस्तु भयम, शिव शिवाय नमस्तु भयम का जाप करते रहना है। ऐसे देखो ये है, और ऐसे आपको इसमें 5 बूंदे डाल दो, तो ऐसे हो गए इत्र। और आपको जाके ये रोग मुक्ति का उपाय है, मतलब आप बहुत ही जल्द सही हो जाएंगे। और आपको ये क्या करना है कि आपको एक दिन में नहीं हो सही होगा, आपको कम से कम 1 सप्ताह तक ऐसे करते रहना। आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी जो बीमारी से आप ग्रसित हो ना, वो देखना कि धीमे धीमे कैसे सुधार हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप जरूर एक बार ट्राई करके देखो, एक बार जाओ शिव शंभू के मंदिर और आप बीमारी से ग्रस्त हो तो ये जरूर उपयोग करो बहुत ही, क्योंकि हम प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, जो उनकी मैं कथा सुनती हूँ और मुझे बहुत ही ज्ञान मिलता है, मैं उनकी बहुत चीजें उनसे मतलब सीखती हूँ, और ये मतलब 100% सत्य भी होता है। अगर नहीं हो तो कमेंट में आप बताइएगा, उन्होंने ऐसा कहा है और बहुत ही ये अच्छा उपाय है। तो ये आप इत्र वाला उपाय कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी जो सही नहीं हो रहे, डॉक्टर से आप हार मान चुके हो, तो ये वाली उपाय कर सकते हो। और तीसरा, आपको क्या करना है, आपकी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए करना है, एक लोटा जल लेना है, उसमें मात्र 1 बेलपत्री डाल देना है और जाके शिव शंभू के ऊपर चढ़ा देना है। जो भी आपके मन में मनोकामना हो वो आप मांग सकते हो शिव शंभू से, आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। तो गाइज, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर शिव शिवाय नमस्तु भयम या ओम नमः शिवाय लिखो। अगर शिव भक्त हो तो लिखो ही लिखो, वैसे आप कोई भी भगवान के भक्त हो, लेकिन अगर वीडियो देख रहे हो पसंद आए तो प्लीज शिव शिवाय नमस्तु भयम लिखो। और शिव जाप करने से आपकी कितनी भी कष्ट होगी, कितनी भी विपदा आ जाएंगी, आपकी कितनी भी मानसिक तनाव में हो, तो आपको बहुत ही राहत मिलता है शिव शंभू का नाम लेने से, जाप करने से। तो आप 108 बार शिव शंभू का जाप भी करो। तो वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।